जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। वहीं इस साल ये त्यौहार 11 और 12 अगस्त दो दिन मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही इस दिन उनकी प्रतिमा के समक्ष उनकी पसंदीदा चीज़ें रखने से वो बेहद प्रसन्न होते हैं। आपको बता दें, भगवान कृष्ण का जन्म बहुत ही शुभ योग में हुआ था। दरअसल शुभ नक्षत्र और ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली में कई विशेष योग थे। यही ज्योतिषियों का मानना है कि इस जन्माष्टमी पर मेष और वृषभ राशि वालों को विशेष फल श्री कृष्ण प्रदान करने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का आरंभ 11 अगस्त को प्रातः 9:06 से हो रहा है। आपको बता दें, इस अष्टमी का समापन 12 अगस्त को प्रातः 11:16 पर हो रहा है, जिसके चलते 12 अगस्त को चंद्रमा प्रातः 7:37 पर वृषभ राशि में आ जाएगा। वहीं यदि रोहिणी नक्षत्र की बात करें, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो वो 13 अगस्त को प्रातः 3:27 से प्रारंभ हो रहा है और 14 अगस्त को प्रातः 5:22 पर समाप्त होगा, जिसके चलते इन राशियों को बेहद लाभ होने वाला है। आज हम आपको ज्योतिषियों के अनुसार इन दो राशियों के बारे में अष्टमी के दिन होने वाले लाभ के बारे में बताते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन इन दोनों राशियों के लिए बेहद खास होने वाला है। तो चलिए जानते हैं उन राशियों के बारे में। मेष राशि के जातकों का जन्माष्टमी के दिन मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। जन्माष्टमी के दिन आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। बता दें कि इस दिन आप अपने सभी कार्यों को समय पर करेंगे, वहीं परिवार के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। जॉब और बिजनेस में लाभ प्राप्त होगा। धन लाभ के साथ खर्च के योग भी बन रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातकों का जन्माष्टमी का दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस दिन यदि आप विधिपूर्वक सच्चे मन से पूजन करेंगे तो आपके सारे काम सफल होंगे। आपके जॉब और बिजनेस में आने वाली हर प्रकार की समस्या दूर होगी। बता दें कि इस दिन आप कोई भी काम करेंगे तो वो सफल होंगे। इस दिन आपको धन लाभ होगा, आपके मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, वहीं कोई मित्र आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएगा। सेहत के प्रति सावधान रहें, क्रोध पर काबू रखें और सभी से विनम्रता से पेश आएँ। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को नई पोशाक जरूर पहनाएं। कई बार दुकानदार पुराने कपड़े नए के रूप में बेच देते हैं, ऐसे में खरीदारी करते वक्त इस बात का ध्यान रखें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।